हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 2, वर्ण वर्णमाला, मतलब अल्फ़ाबेट्स। बच्चों, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। तो बच्चों, हम लोग कुछ ना कुछ जो बोलते हैं उससे ना ध्वनियाँ निकलती हैं, मतलब कुछ आवाज़ें निकलती हैं, और उसका कुछ ना कुछ अर्थ रहता है, मतलब मीनिंग रहता है। और उस ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्दों में से वाक्य। आइए समझें। राजा, तो राजा की जो ध्वनियाँ हैं वो इस तरह है, र प्लस आ प्लस ज प्लस आ, मतलब राजा को जो र लगा है उसको आ की मात्रा है, मतलब आ की ध्वनियाँ मिलती है, और ज को भी आ की ध्वनियाँ मिलती हैं, तो र को आ की मात्रा है, समझे? इससे राजा ऐसा शब्द तैयार होता है। यहाँ पे है अनार, न को आ की मात्रा है, फिर र को अ है, मतलब अनार हम बोलते हैं तो उसमें ना को आ का ध्वनि सुनाई देता है और र को अ की, तो उसका उच्चार है अनार। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा ही सबसे छोटी इकाई है। तो ये जो अनार है, ये शब्द है, इससे और छोटा शब्द नहीं हो सकता। इसका यही रूप है और इसको वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। ये एक एक अक्षर ही जोड़कर शब्द तैयार होते हैं, समझे? आगे वर्णमाला। हिंदी भाषा की कई ध्वनियाँ हैं। जब इन ध्वनियों को इन निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है तो इन्हें वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि हिंदी भाषाओं के कई ध्वनियाँ होते हैं, मतलब आवाज़ रहते हैं, और वो ध्वनियों को निश्चित क्रम से, मतलब एक लाइन से लगा दिया जाएगा तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाते हैं। तो वर्णों को दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो वर्ण के दो टाइप से भेद, मतलब टाइप्स क्या है? स्वर्ण और व्यंजन। तो उसमें का पहला टाइप से स्वर। स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। कौन कौन से हैं देखिए, अ आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ। तो ये स्वर है, और स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये स्वर है, इसको किसी की सहायता नहीं लगती, आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें वाइवल्स होते हैं, वैसे ये हिंदी के वाइवल्स है जिसे स्वर कहते हैं। अब उसका दूसरा टाइप है व्यंजन। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 33। कौन कौन से होते हैं देखिए, क ख ग घ ड च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त
ठ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये वाले क्या है? व्यंजन। ये हिंदी के व्यंजन है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये जो व्यंजन है इनको किसकी सहायता लगती है? स्वर की। ये स्वर के सहायता से बोले जाते हैं ये वाले व्यंजन। ठीक है, ध्यान दीजिए, इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण है। जो हमने अभी स्वर और व्यंजन पढ़ा उसमें से अलग हिंदी के कुछ वर्ण हैं, मतलब ये वाले वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? अम, अहा, ड, ढ, श, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त अक्षर, ये वाले हैं संयुक्त अक्षर, मतलब जो व्यंजन का पाठ है उसमें का ये संयुक्त अक्षर है। अब तक हमने सीखा, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद है, एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 है। तो बच्चों, हमने इस पार्ट में वर्णों और वर्णमालाएं पढ़े, मतलब अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे हिंदी के ये वाले वर्णमाला है, जिसमें दो है, स्वर है और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। ठीक है, आगे है अभ्यास। यह आपको खुद से करना है, आपके ग्रुप में इसका PDF सेंड किया है आंसर की, तो वो देखकर आपको ये पूरा अभ्यास कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।